सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। आगे पीछे वाले जितने उन्हें सारे आ जाओ। इतनी प्यारी मदनी बहार है, इतनी प्यारी मदनी बहार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो रहन दो फिर। अभी तो ये मदनी बहार की समझे कि एक यूं समझे कि झलकियां हैं। ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तैयार है, चला दूं। आ जा। भाई इस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में हूँ। 29 रमजान है, इफ्तार का वक्त है, मगर एक अजीब वाकया पेश आया है हमारे पास। अभी सूडानी आए हैं माशाल्लाह। अबू उबैदा है हमारे साथ और ये मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुँचे हैं। और बड़ी अजीब बात, मैंने जब इनसे पूछा कि आपने सब जिमामा कैसे पहना है, तो ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर शेख मिले थे सब जिमामे वाले और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। वाकई वाकई उसे उनको मैं जहाँ देखता था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ में नजर आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब इमामा बांधा है जब से मैंने ये इमामा पहना है और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी। वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने उनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से मुकाबला चेहरा था। अब इनकी जबानी भी कुछ इनसे एक सुन लेते हैं। बाकी मेरी नियत है कि इंशाल्लाह इनसे अलग से मुलाकात करके इनका पूरा ये इंटरव्यू है, ये पूरा वाकया है, वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। तू गजमा नु का जितने मर्जी था मनु के लेना देना इंशाल्लाह। वो नफर अंत मुलाकात से खड़ा हुआ वो आदि मामा सलीम शिया अरे कहना क्या चाहते हो? समझ आई आपको? नहीं। मुझे बहुत खैर मिली है जब से मैं इमामा बांधना शुरू कर दिया है। मेरे लिए सूडान से मशाइख की ये तस्वीरें तोहफे में लाए हैं। क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की वो करामतें अब कहाँ कहाँ जाहिर हो रही हैं। आप अमीर अहले सुन्नत को कई सालों से जाहिरी तौर पर तो तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर ये अरबी आकर हमें बता रहे हैं कि हमारी इनसे हरम शरीफ में मुलाकात हुई। हाय हाय हाय, कितने पहुंचे ने सरकार। उन्होंने इमामा दिया और आज मेरे सर पर इमामा है। अल्लाह करीम हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। आमीन। अब हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, ये उनकी समझ का कसूर है। हम तो यहाँ बैठे थे, खुद मिलने आए तलाश करके और उन्होंने सारी बातें बताई हैं। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सबर से सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादीर कायम रखे। तौबा करो, अल्लाह माफी दे, ये कौन बदबख्त है? हालांकि आप कहना चाहिए लानतुल्ला। हाय 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 सर, उन इंजीनियरिंग हो चुकी है, तय करना, रुक जाओ। ये कहते ने बुजुर्ग बहुत काम करते ने, बुजुर्ग उड़ लेंदे ने। ए साइबेरिया बुजुर्ग उड़ के जाके दस सकते ने सर? आलमोस्ट आप समझ लें 8-10 हज़ार किलोमीटर का सफ़र बगैर रिफ्यूलिंग के ये परिंदे करते हैं और सोते भी हवा में, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, यहाँ आके लैंड करते हैं। ये तो बोइंग 747 को भी रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। ये तो कहते ना बुजुर्ग, मैं कहना अल्लाह ताला ने जो परिंदे बनाए ने उन्होंने बराबर नहीं कोई हो सकता। तो बुजुर्ग कहते हैं नहीं देखे नहीं, वो मोबाइल दूर सुन सकता है, बुजुर्ग क्यों नहीं सुन सकते? इधर मैं जवाब देता है फिर अल्लाह से बोलो। वैसे तो हम जरूरत ही नहीं है बुजुर्गों को सुन के, तो सर सुते हो ना बुजुर्ग तो उन्होंने मां भैन की गाल नहीं कढ़नी, ठीक है, गाल नहीं कढ़नी, बस सुते होवन खराटे लैने, उन्होंने कोई गाल कर देनी है, फिर बाद पुछना सुनी जे, तो अगर नहीं सुन रहे तो मरने तो बाद भी उन्होंने सुनना इस तरह, तो दूरों भी नहीं सुनना, ठीक है। और कहते हैं देखे नहीं, एक आम आप गोरे की बनाई हुई चीज़ सब ये वो कहानियाँ जज्बाती। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि एक चिड़िया अफजल है या एक आम मुसलमान मोमिन? कहते हैं मोमिन मुसलमान, तो चिड़िया तो उड़ सकती है, तो आप बुजुर्ग तो उड़े नहीं सकेंगे, आपका कोई मुरीद ही उड़ के बता दे। उड़ो, हाँ उड़ के दसो, तो उतू उड़ो होते थे, लैंड करो। हाय हाय कैसी फगी आई मेरे दिमाग।